हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो आज हम करने क्या जा रहे हैं, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इक्वेशन के बारे में तो जानते होंगे, तो चलो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है, ये हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, कुछ भी ले लो, ये इक्वेशन है। ठीक, तो सर ये तो इक्वेशन है, ये हमने पता, डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाना, हाँ उसी पे आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी है, इसका जब हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कब, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है सर, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमें अब समझ आ गया। सर बोलते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री, ये क्या होता है सर? हाँ, और सर उससे पहले एक डाउट, क्या डाउट है भाई, बोल दियो, हम पढ़ा रहे हैं। डाउट क्या है सर, कि कितने टाइप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले ये तो बता दो हमें। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं, टू टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें पता लग गया कि दो टाइप्स की होती है। सर अब हमें ये तो बता दो कि ये क्या होती है और ये क्या होती है पार्शियल। हाँ, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ ऐसे, डी वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिख ली। अब ये जो है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर क्यों ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो वाई है वो ओनली और ओनली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है। ठीक है, ये जो वाई है ये इस एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अगर सर हम मान लें कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू प्लस एक्स प्लस टू जीरो के बराबर लेते हैं, अब ये सर ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है, ये भी ऑर्डिनरी है। कैसे ऑर्डिनरी है, क्योंकि जो वाई है ये फिर एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू क्या सेम रहने वाली है ना, एक मतलब एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तब हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे डी वाई लिखा था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स डी टी। अब ये देखो, वाई कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, दो, एक्स और टी पे। बाकी इक्वेशन जो भी लिखने हैं, एक्स प्लस टू डालो मैं, ये मेरा मेन मकसद है ये समझाना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बाई है अब किन दो पे, इन दो पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। हाँ, तो यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब कोई भी वेरिएबल दूसरे का इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो, तो तब क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ सर, ये समझ आ गया। यहाँ से आप हमें डिग्री और ऑर्डर के बारे में बता दीजिए। ऑर्डर जो है ना, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुई है इक्वेशन, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुई है, मतलब यहाँ पे देखेंगे कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, कितने टाइम हुआ है, एक टाइम हुआ, तो यही ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का। क्या ऑर्डर होगा, वन ऑर्डर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो वन आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही टाइम डिफरेंशिएट हुआ है सर। इसका तो फिर हम बता देंगे, इसका तो टू आएगा। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका टू ही आएगा। ठीक है सर, तो डिग्री क्या है सर? हाँ, डिग्री जो है वो हाईएस्ट, मतलब जो डिग्री होती है ना वो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर की। मतलब इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर, इसमें वन है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, वन है सर। बस सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है सर,
और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, पर पावर कितनी है सर? 1 नहीं है सर, तो उस पर डिग्री भी 1 हो जाएगी। अगर मैं इक्वेशन ले लूँ डी वाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ सर, अब इसका ऑर्डर सिंपल है, ऑर्डर क्या है, कितने टाइम मैक्सिमम टाइम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार हुआ, 2 आ जाएगा सर। हाँ, ऑर्डर तो हमने निकाल लिया 2 सर, डिग्री डिग्री क्या होगी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, डिग्री भी 2 होगी सर। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसकी ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं सर। जो हमारा अभी अगला लेवल है उस लेवल की पढ़ाओ ना सर। हाँ, तो पढ़ाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशंस, इफ दे आर नॉट एग्जैक्ट इक्वेशंस हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दोस इक्वेशंस, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।